अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और अब जो है ना, मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं। आगे इंशाल्लाह ताला बहुत ही कम दिन रह गए, माह रमज़ान भी आ रहा है, तो रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे, कुकिंग रूटीन भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज काफ़ी दिन के बाद मैं इस तरह का नाश्ता बना रही हूँ। प्याज टमाटर हरी मिर्च वाला अंडा बनाऊँगी, ऑमलेट बनाऊँगी, और उसके साथ स्लाइस जो है ना, वो मैं हल्के से टोस्ट कर लूँगी। तो नाश्ता करना मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसे लगता है कि आप दिन का स्टार्ट करते हैं ना, तो अच्छे मूड के साथ करना चाहिए, अच्छे ब्रेकफास्ट के साथ करना चाहिए। इस तरह से आपका दिन भी अच्छा गुजरता है और आपसे काम भी बड़े अच्छे हो जाते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप जो है वो चैनल पे एक्टिव क्यों नहीं है, वीडियोस क्यों नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह ताला अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वैसे आप मेरे डेली व्लॉग्स जो रूटीन के होते हैं वो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे ब्लॉगर बर्ड जो मेन चैनल है, ब्लॉगिंग चैनल है, उस पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन की रूटीन और जो रेसिपीज़ होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना किचन से रिलेटेड, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी उस्मान जो है वो सो रहे हैं, और मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ। और बस मेरे नाश्ता बनाते बनाते उनको मैंने दो चार बार उठाया। एक्चुअली ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है ना, तो आप जब नाश्ता बना के टेबल पे रखते हैं तो फ़ौरन ही ठंडा हो जाता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक वो टेबल पे आके ना बैठे ना, तो तब तक मैं नाश्ता यहीं रखती हूँ चूल्हे के साथ, तो ये गर्म रहता है। वैसे घर में हीटिंग ऑन होती है, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी ठंड जो है ना वो होती ही है, और स्पेशली जो खाना है, नाश्ता है, वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो नाश्ता बन गया, हमने नाश्ता कर लिया, और उसके बाद अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ रात के खाने की। मैं गई थी सुबह को 5, 5:30 बजे गई थी ग्रॉसरी करने के लिए। यहाँ पे जो कुछ स्टोर्स हैं ना, वो बल्कि मैं जहाँ तक जानती हूँ तो वो 24 आवर्स ओपन रहते हैं। तो मैं इसलिए गई थी सुबह सुबह क्योंकि यहाँ पे आजकल बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो नहीं मिल रही हैं। तो मैंने कहा चलो मैं सुबह जाती हूँ, मे भी मिल जाए। हालाँकि मैं 5:30-6 बज गए थे ग्रॉसरी करते चीज़ें लेते हुए। और अगर आपने देखना हो तो मैं लिंक दे दूंगी ऊपर भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं मेरा व्लॉग। तो वहाँ पे फिर जब मैं गई तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं भी मिली। और वहाँ पे ना सारे जो शेल्फ्स होते हैं तो स्टॉक लगा रहे थे वो उस टाइम पर। तो खैर ये भी शुक्र है कि कुछ ना कुछ मिल गया। और सबसे अच्छी बात ये कि मुझे आज गोभी का पैकेट मिल गया। मैं एक दो बार गई थी तो मुझे नहीं मिला था। ये वाला मुझे ठीक लगता है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ना मैश की हुई गोभी बनाते हैं। अगर उस तरह से आप बनाना चाहते हैं तो फिर तो ये बहुत अच्छा रहता है। अब जैसे हम दो लोग हैं तो आराम से मैं इसको दो बार बना लेती हूँ। 1 kg का पैक होता है, और इसमें जो है जैसे आप 2, 3, 4 लोगों के लिए भी इवन कि आप 2 दफ़ा इसको बना सकते हैं। और मैं तो कोशिश करती हूँ कि गोभी इतनी बनानी चाहिए कि नेक्स्ट डे आप उसके पराठे या पराठा तो ज़रूरी बनाएं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पर निकाल लिया, बाकी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। आप इसको थोड़ी देर बाहर निकालते हैं तो आप इसके छोटे छोटे पीसेस करके भी बना सकते हैं। अच्छा, मैं पाकिस्तान में होती थी ना, तो तब मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स वैसे भी फ्रीज़ करके रखती थी क्योंकि मैं जॉब करती थी, और जब मैं लेकर आती थी इकट्ठे वीकेंड पे, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं सबको काट के या फ्रीज़ कर दूँ या फ्रिज में रखूँ, ताकि पूरा वीक जो है ना मैं आराम से उनको यूज़ कर सकूँ। आज मेरे साथ क्या हुआ, मैं यहाँ पे चटनी बनाने लगी थी, और मैं हमेशा ये कम्बिनेशन रखती हूँ कि जब भी गोभी बनती है ना तो उसके साथ हरा धनिया, हरा पुदीना जो होता है, पुदीना वैसे हरा ही होता है, लेकिन धनिया, पुदीना, लहसुन, हरी मिर्च की मैं चटनी बनाती हूँ। तो आज मैंने जैसे ही चटनी बनाना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि हम लोग गोभी में प्याज नहीं डालते हैं, लहसुन अदरक डालते हैं, अदरक बहुत सारी ऐड करते हैं, और उसके साथ धनिया डालते हैं। तो मैंने देखा तो धनिया पाउडर ही ख़त्म था, और मेरे पास ग्राइंडर भी नहीं है। अब इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ बस मैं ले लूँगी, मैं देख रही हूँ अच्छा जो है ना वो अच्छा या मेरा गुजारे जितना जो है ना मैं ले लूँ। क्योंकि पहले मैं वेट कर रही थी कि पाकिस्तान का मेरा चक्कर लगा, तो वहाँ पर मेरे 2-3 रखे हुए हैं, नया भी एक तो मेरा पूरा पैक रखा हुआ है जो ब्लेंडर का और उसका होता है ग्राइंडर का। तो मैंने कहा चलो मैं जाऊंगी तो मैं ले आऊंगी, लेकिन मेरा चक्कर नहीं लगा। तो अब मैं सोच रही थी कि ले ही लूं, क्योंकि मैं काफ़ी तंग होती हूं, इसलिए मुझे पिसे हुए मसाले लेने होते हैं। और ये लकीली जो है ना, मैं एक साबित धनिया का पैकेट लेके आई थी जो कि मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने वो निकाला। अब सारी तैयारी कर ली थी, मैंने कहा अब मैं और क्या बनाऊँ। और आज ना मैं ये बीफ़ में बना रही हूँ। बीफ़ मैं इस पर लेकर आई थी, लेकिन उन्होंने बीफ़ जो है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिया। उस टाइम मैंने जल्दी में ले लिया था, जब मैं आई तो बिल्कुल भी जो है ना बस ठीक था।
तो अब मैं ये करती हूँ कि सब्ज़ी में डाल देती हूँ, बना लेती हूँ उस तरह से, बस अब ख़त्म ही है, लास्ट पैकेट ही था आप देख सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने हड्डियाँ डाल दी थी और गोश्त था ही नहीं। और इसलिए ना यहाँ पे भी मैं ऐसे करती हूँ, क्योंकि आप चीज़ें तो देसी स्टोर से लेते हैं ना, तो अब मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं जब भी मतलब पहले लेके आती थी ना, तो मैं ले लेती थी, घर आके देखती थी तो मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस होता था, अच्छी नहीं होती थी चीज़। तो अब मैं ये करती हूँ कि मैं जब जाती हूँ तो मैं वहीं पे खोल के चेक करके देख लेती हूँ, चेंज कराना होता है या अपनी मर्ज़ी का, या ठीक लेना होता है तो वो फिर आपको पता चल जाता है। लेकिन ये मैंने उस दिन जल्दी में लिया था तो मैंने देखा ही नहीं, जब मैंने घर आके देखा तो बस फिर मैंने कहा चलो अब सब्ज़ियों में तो यूज़ हो ही जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कुछ रेसिपीज़ आप ऐसे बनाते हैं कि जिनमें फिर ये जब आप हड्डियाँ डालते हैं या इनका रस बड़ा अच्छा आता है तो टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो खैर मसाला मैंने बना लिया, प्याज मैं इसमें नहीं डालती हूँ, और मैं हमेशा मैश की हुई गोभी बनाती हूँ, हम सबको ऐसे ही अच्छी लगती है तो इसी तरह से बनाई जाती है। बस इसको मैं थोड़ा सा प्रेशर दे दूँगी, क्योंकि बीफ तो मैंने ऑलरेडी गला लिया था ना, तो बस इसको थोड़ा सा प्रेशर दूँगी। इसको आप वैसे भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। एक तो जल्दी भी बन जाती है, और दूसरा आपको जो मैश की भी जिस तरह अच्छी लगती है ना, जैसे हमें अच्छी लगती है, तो ये फिर आराम से बन जाती है प्रेशर कुकर में। और आप देख सकते हैं मेरा प्रेशर कुकर भी छोटे साइज़ में है, तो इसमें चीज़ बहुत जल्दी बनती है। तो एंड में मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी, धनिया डाल दी, और बस इसको मैं अब थोड़ा सा यहाँ पर भून रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मैंने भून लिया था, ऑयल हम कम यूज़ करते हैं। मैं और भाई ना, मेरी शादी से पहले तो हम लोग इसके ऊपर देसी घी डाल के खाते थे, बड़ा मज़ा आता था, लेकिन अब उस्मान को इतनी पसंद इस तरह से देसी घी वाली नहीं है, तो इसलिए मैं ऐड नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, ऑयल घी ये चीज़ें हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं। तो बस खाना मेरा बन गया, और उसके साथ मैंने कहा चलो अब मैं थोड़े से कंटेनर्स भी रिफ़िल कर लेती हूँ। अभी इंशाल्लाह ताला मैं आहिस्ता आहिस्ता करके कोशिश कर रही हूँ कि मैं माह रमज़ान से पहले ना डेली एक टास्क मैं इस तरह का होता है जो माइंड में मेरे होता है उसको मैं पूरा करती हूँ। तो अब मैं सोच रही थी कि अब ये कैबिनेट्स और मसाले वाले और ये सारे जो है ना, इनको भी मैं इंशाल्लाह ताला एक दो दिनों में कर लूँ। तो खैर देखते हैं। और यहाँ पे बस ये भी रेडी हो गई है, मुझे अपने हस्बैंड को लंच जो है वो पैक करके देना होता है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि सारे काम जो है ना वो टाइम पर कम्प्लीट हो जाएँ। और ये देखें आप, ये मज़ेदार सी गोभी जो है वो रेडी हो गई है। इस तरह की आप कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, आप कोशिश किया करें उसमें अदरक बहुत ज़्यादा ऐड किया करें। मैंने बहुत ज़्यादा डाली, पहले मैंने 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और उसके बाद मैंने 1 से 2 टेबल स्पून अदरक दोबारा पीस के डाली। तो अदरक आप जितनी ज़्यादा डालते हैं ना, बादी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, हैवी लगती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है, बादी लगती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ आप बनाते हैं या आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, कोशिश करें उसमें अदरक जितनी यूज़ कर सकते हैं ना, अदरक आप ज़्यादा डालें। और इसके साथ जो ये हरी चटनी का कम्बिनेशन है ना, कमाल का लगता है। तो बस ये भी मैंने बना ली, और उसके बाद अब मैं इनका लंच बैग जो है वो पैक करूँगी। तो चटनी जो है ना, वो इस तरह से मैं इनको चटनी नहीं जिस दिन देती, तो उस दिन मैं इनको दही पैक करके देती हूँ, क्योंकि सालन या कुछ ऐसा हो तो दही दे देती हूँ, रायता बना के दे देती हूँ, या चटनी बना के देती हूँ, क्योंकि खाली सालन तो इस तरह से जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। वहाँ पे फिर सालन या रोटी वो माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं, बाकी वो ऐसे इंजॉय करते हैं। लंच बैग में कोई भी ऐसी चीज़ मैं जब डालती हूँ ना, जैसे चटनी, सालन, चावल, कुछ भी ऐसा, तो मैं फॉइल ज़रूर ही लगाती हूँ। इससे ये होता है कि आपके जो ढक्कन होते हैं या आपका जो होता है ना इस तरह से कि लीक ना हो जाए, गिर ना जाए, तो ये बिल्कुल सेफ़ रहता है। तो ये मैंने खुद ही तरीका जो है ना वो एक दो बार ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा बस फिर इसी को ही जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं। तो सारे काम हो गए, अब मैं रोटी बना रही हूँ, और आपको मैं लंच बैग भी दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेरी जो बहनें हैं उनको भी आइडिया हो जाता है, तो इस तरह से डिफरेंट पैक करती रहती हूँ। लेकिन हाँ ये है कि एक टाइम वो घर में अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, तो फिर मैं उनको एक टाइम का खाना प्रॉपर पैक करके देती हूँ।
और जब मैं उनका लंच बैग पैक करती हूँ ना, तो आप देख सकते हैं स्नैक भी हो गया, फ्रूट भी हो गया, और उसके साथ खाना भी मैं देती हूँ। और एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, वो कोई ना कोई स्वीट, कोई चॉकलेट, कुछ मीठा ऐसे मैं ज़रूर रखती हूँ, ताकि जब वहाँ पे जाके लंच बैग खोले ना, या खाना खाने के बाद जो एक मीठे की क्रेविंग होती है ना, तो वो उसमें इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। डेली डिफरेंट देती हूँ, लेकिन एक छोटा सा क्यूट सा सरप्राइज़ जो है ना, वो मैं ज़रूर रखती हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो गया है। तो यहाँ पे बर्तनों के ढेर जो है ना वो सारे वॉश हो गए हैं, ये सारा मैंने कर लिया। उसके साथ यहाँ पे मैंने जो है ना वो डाला है जो किचन वाला लिक्विड होता है ना, इसको मैं थोड़ी देर तक वॉश करूँगी, तो बस ये फिर सारे जो है ना मैं साफ़ कर लूँगी। रोटी मैंने अपनी भी बना के रख दी है रात के लिए, और ये वाले जो है ना किचन के जो मैं यूज़ करती हूँ, तो ये भी मैंने वॉश करके और यहाँ पर डाल दिए, और ये ऑलमोस्ट ड्राई भी हो गए हैं अच्छी तरह से वॉश करके, इनको मैंने डाल दिया है। तो वीडियो कमेंट करती हूँ, इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।